गया सीट एक और हेवीवेट उम्मीदवार जीतन राम मांझी हम पार्टी के संरक्षक संस्थापक है पूर्व सीएम वो वहां चुनाव लड़ रहे थे और वहां पर इस दफा जो है रोचक चुनाव हुआ। एक बार हम फिर से नेहा के पास चलेंगे। नेहा जल्दी से गया सीट का समीकरण बताइए और ये बताइए कि एग्जिट पोल क्या कह रहा है, किसका किसका कितना वोट कहां गया और आखिरकार परिणाम क्या हो सकता है। नेहा बिल्कुल प्रभु जी, जब हम गया लोकसभा सीट की बात करते हैं, गया में एक तरफ जीतन राम मांझी पूर्व उप मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ आरजेडी के कैंडिडेट कुमार सरबजीत, दोनों के बीच का टक्कर और इसमें जातीय अहम भूमिका में जातीय का अगर आंकड़े की बात करें तो मुस्लिम 9% एनडीए को, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन 83% बढ़त करते हुए मुस्लिम वोट बैंक इंडिया गठबंधन को जाते हैं एमवाई समीकरण पर लालू प्रसाद यादव का निशाना। वैसे 84% एनडीए गठबंधन लालू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोर वोटर, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन मात्र 11% पर। सवर्ण जाति की बात करें तो भी सवर्ण जाति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई वोट, जीतन राम मांझी की तरफ जाता है इंडिया गठबंधन 9%। यादवों की बात करें तो एनडीए गठबंधन मात्र 6% और इंडिया गठबंधन को 89% यादवों ने वोट दिया है। दूसरी जाति पर जाते हैं दलित, 64% एनडीए गठबंधन यानी कि जीतन राम मांझी के खाते में ये वोट गया है। दूसरी तरफ 33% पर है इंडिया गठबंधन, अति पिछड़ा 75% पर, अति पिछड़ा ने 75% वोट हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी को दिया है गया से कैंडिडेट। दूसरी तरफ मात्र 19% इंडिया गठबंधन को। ये जातीय आंकड़ा है और इस जातीय आंकड़े के आधार पर हम आपको निष्कर्ष बताएंगे कि आखिर गया में कौन बढ़त कर रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है। तो गया लोकसभा सीट जीतन राम मांझी बिल्कुल आगे बढ़ते हुए कुमार सरबजीत को पछाड़ कर जीतन राम मांझी गया लोकसभा सीट पर आगे बढ़ रहे हैं। ये इस रेस में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं जीतन राम मांझी हम पार्टी के संरक्षक पूर्व उप मुख्यमंत्री। गया से जब इन्हें टिकट मिला तो इस बार चुनावी मैदान गया का फतेह करते दिखाई दे रहे हैं जीतन राम मांझी आगे बढ़ते हुए कुमार सरबजीत को पछाड़ते हुए। और इस गया लोकसभा सीट की पूरी जानकारी ले चलते हैं कुमार प्रबोध के पास, आपको वहां आपको पूरी जानकारी मिलेगी। हम तो देख रहे थे आप जो बता रहे थे, आप काफी अच्छे तरीके से समझा रही है लोगों को, दर्शकों को, लेकिन जब आप खड़ी हो रही है तो दर्शक शायद हमारे आपके खड़े होने से जीतन राम मांझी का चेहरा छिप जा रहा था, थोड़ा इसका ख्याल कीजिए। जीतन राम मांझी को आप बढ़त दिलवा रही है एग्जिट पोल में, पिनपॉइंट मीडिया का एग्जिट पोल हम आपको बार बार बता दें, ये फर्स्ट ईयर का एग्जिट पोल नहीं है, ये पिनपॉइंट मीडिया का हमने एजेंसी हायर की थी। राजीव रंजन जी हमारे पास पिनपॉइंट मीडिया के जो सीईओ है वो हमारे साथ बैठे हुए, वो समझा रहे हैं। राजीव रंजन जी, हम देख रहे हैं गया सीट पर आपने बढ़त दिलाई जीतन राम मांझी को, आप कह रहे हैं कि वो बढ़त में है और जीतन राम मांझी, एक चीज हमने देखा कि दलित वोटरों का वहां बंटवारा हुआ, यानी आप बता रहे कि 64% दलित वोटर एनडीए के साथ गए तो 33% इंडिया के साथ गए, तो चूंकि दोनों दलित उम्मीदवार थे और कुमार सरबजीत जो है वो पासवान जाति से आते हैं, तो शायद आपका सर्वे बता रहा है कि पासवान जाति का वोट वहां कुमार सरबजीत को गया। और इस और गया में एक और विशेष बात यह दिखी कि वहां जो वहां आरजेडी जो है वो सवर्ण, दलित और अति पिछड़ा वोट में जो उसमें जो सीन लगाने की जो कोशिश थी वहां गया में वो विफल होती हुई दिखी। लेकिन 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 चिराग पासवान फैक्टर तो नहीं चला, अगर कुमार सरबजीत जो पासवान जाति से आते हैं वो अपनी जाति का वोट ले आए तो चिराग पासवान जो जिनको माना जाता है कि वो पासवानों के सबसे बड़े नेता बिहार में और एनडीए ने उनको बड़ा सम्मान देके सबसे ज्यादा 5 सीट देके बुलाया, बीजेपी और जेडीयू की बात किसी नंबर पर वही है, तो उसका असर वहां पर नहीं दिखा। पासवानों ने जाति के आधार पर वोट किया, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, पासवानों ने जाति के आधार पर वोट किया और पासवानों के अलावा वहां पर बहुत अच्छा वोट मिला है अति पिछड़ों का जीतन राम मांझी जी को, सवर्णों का वोट जो एकदम करीब 88% वोट वहां सवर्णों का उनको स्थानांतरित हुआ है। और खास करके हम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अति पिछड़ों में इस बार गजब का उत्साह था एनडीए के लिए, तो ये अति पिछड़े वही वोटर्स है जो बारे में लालू प्रसाद यादव कहा करते थे कि ये जिन है उसका बैलेट बॉक्स बैलेट पेपर चुनाव होता था और जब लालू प्रसाद यादव के लिए बैलेट बॉक्स से जब बैलेट निकलते थे बड़ी तादाद में तो लोग कह रहे थे कि बूथ छापा गया, लालू यादव कहते थे उसमें कि वो बैलेट बॉक्स से जिन निकला है और वो जिन वही है 36% वोट बैंक। और ये बड़ा डिसीसी बहुत निर्णायक है। हम फटाफट हम पहले चरण के चौथे सीट की बात कर लेते हैं क्योंकि हम 40 सीट पर बात करने राजीव जी और काफी समय लगेगा इस अगर बहुत विश्लेषण करने लगे तो हम औरंगाबाद की बात कर लेते हैं जहां से सुशील कुमार सिंह
जो वो बीजेपी के उम्मीदवार सिटिंग एमपी, और वहां पर फिर से एक बार जो है वो लालू प्रसाद यादव ने प्रयोग किया और अभय कुशवाहा को जो जेडीयू के लीडर हुआ करते थे उनको जो है वो वहां पर लाके खड़ा कर दिया, जहानाबाद गया जिले के रहने वाले वो बेला के, और उनको औरंगाबाद से खड़ा कर दिया। नेहा, हम चाहेंगे एक बार जल्दी से औरंगाबाद सीट की जो है कहानी वो दर्शकों, क्या इनका पिन पॉइंट मीडिया का सर्वे कह रहा है, किस तरीके से जातिगत वोटरों का बंटवारा हुआ, और वो आप समझाइए जल्दी से, फिर हम आगे देखेंगे क्या कुछ हुआ। बिल्कुल प्रभो जी, अगर हम औरंगाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो अभय कुशवाहा आरजेडी के कैंडिडेट, फिर से लालू प्रसाद यादव कुशवाहा जाति पर अपने निशाने पर लेते हुए कुशवाहा जाति को दूसरी तरफ सुशील कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।